हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन क्रिकेट प्लेक्स। जी हाँ, इस वक्त मैच की हाइलाइट्स लेके T20 वर्ल्ड कप के साथ हम आपके बीच में। और कल दो बेहतरीन मुकाबले खेले गए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी के। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वो मैच जो इस टूर्नामेंट का एक बहुत ही बड़ा मैच, और उस मैच के परिणाम ने किसी के भाग्य की तस्वीर लिख दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के मैच की, जिस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने विजय हासिल की और इंग्लैंड को फायदा मिला और वहां पर वो क्वालिफाई कर गए सुपर एट में। इस मैच में अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग की थी, एक हाई स्कोरिंग मैच था। स्कॉटलैंड ने 180 रन बनाया था और उस 180 रनों में आप देखें तो मैक कुलन ने 60 और वेलिंगटन ने भी लगभग 40 ओवर रन बनाए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 180 आसान नहीं था वो चेज करना, लेकिन जवाब में वो ट्रेविस हेड ने जो शानदार पारी खेली, मुझे लगता है कि वो 68 रन की पारी, और उसके बाद एक हाफ सेंचुरी फिर से मार्कस स्टोनिस की तरफ से देखने को मिली, और लगातार कंसिस्टेंटली वो अपना फॉर्म दिखा रहे हैं। और ये खास बात है स्टोनिस की, आईपीएल में भी उनका फॉर्म अच्छा था और इस T20 वर्ल्ड कप में कल उन्होंने बड़ी ही कमाल की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में जीत हासिल करा दी। इस तरीके से इस मैच को जीतते ही इंग्लैंड को फायदा मिला, नेट रन रेट का फायदा मिला, और सबसे बड़ी बात है कि अगर स्कॉटलैंड जीता तो नेट रन रेट का मसला ही नहीं आता और स्कॉटलैंड सीधे सुपर एट में जाता, लेकिन वहां पर स्कॉटलैंड की हार ने पॉइंट में दोनों के अंक बराबर हो गए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के, और इस तरीके से इंग्लैंड सुपर एट में पहुंच गई। और दूसरा मैच वहीं पे अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए सम्मान बचाने का एक मौका था, ग्रुप ए का मैच आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन कल भी मुझे ऐसा लगा है कि पाकिस्तान ने मैच जरूर जीता, शायद दिल नहीं जीता जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा 106 ही रन बनाया था वहां पे आयरलैंड ने, और उस 106 को भी चेस करने में थोड़ी सी दिक्कतें हुई। एक समय पाकिस्तान के 66 पे 6 हो चुके थे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे बाबर आजम ने वो कप्तान की पारी खेली और लगातार वो खड़े रहे और उन्होंने दिखाया कि एक एक करके भी मैच को जीता जा सकता है। कई मौके पे लगा कि शायद आयरलैंड ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन था उसको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया, अदरवाइज ये रन भी बहुत ही किफ़ायती थे। एक लो स्कोरिंग मैच में पाकिस्तान जरूर जीता है, शानदार बात रही उस टीम के लिए पाकिस्तान की। अगर हम बॉलिंग की बात करें, शाहीन अफरीदी और इमाद वसीम, इन दोनों ने 3-3 विकेट लिए और टीम आयरलैंड की कमर तोड़ दी। हालांकि बॉलिंग में पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं, शुरुआत से ही इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, चाहे वो भारत के खिलाफ रहा हो मैच, इसके अलावा किसी भी देश के खिलाफ उन्होंने मैच खेले हो, लेकिन कल उनकी बैटिंग कोलैप्स की है और इस पूरे टूर्नामेंट में वो बैटिंग नजर नहीं आई जिसके लिए वो जाने जाते हैं, चाहे वो मोहम्मद रिजवान की बात हो या इसके अलावा आप बाबर आजम को भी कह सकते हैं। और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग को मद्देनजर ये ध्यान दिया जाएगा और सोचा जाएगा कि क्या पाकिस्तान आने वाले टूर्नामेंट में बैटिंग में कितना इंप्रूवमेंट करेगी। तो कल की ये दो बेहतरीन मैच, और एक तो फॉर्मेलिटीज थी लेकिन मैच में पाकिस्तान जीत के साथ अपने वतन जाना चाहती थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इंग्लैंड भाग्य के साथ और ऑस्ट्रेलिया की मेहरबानी से वो पहुंचे जरूर है सुपर एट में, लेकिन देखना है सुपर एट का जो सफर होगा वो कैसा होगा। बने रहिए हमारे साथ क्रिकप्लेक्स पर, ऐसे ही कुछ और मैच की हाईलाइट सुपर एट में भी लेके आएंगे। धन्यवाद।